फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिग मूडी गर्ल। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा रैप की रेसिपी। अगर आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाने के बहुत शौकीन हैं तो आप घर में इस तरह उनको पिज़्ज़ा रैप बना के दे सकते हैं। ये बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो आपको ले लेना है नॉर्मल आटा, जो आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं आपको उसी तरह से आटा गूंथ लेना है। मैं आज पिज़्ज़ा रैप बनाने के लिए मल्टी ग्रेन आटा का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास भी मल्टीग्रेन आटा है तो आप बेशक मल्टीग्रेन आटा का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी सर चल रही हैं सर्दियाँ, तो आप चाहे तो आप भतुआ या पालक और कोई भी सब्जियाँ इसमें गूंथ सकते हैं, जिससे कि ये फ्लेवर्ड हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। और इसमें डलेगा ढेर सारा चीज़, तो आपका बच्चे से खाने से मना भी नहीं कर सकता है। तो आप चाहे जितना ज़्यादा चाहे इसे हेल्दी बना सकती हैं। तो चलिए, आपको इस आटे की सेक लेनी है एक रोटी। इस मैंने एक रोटी को सेक लिया है और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग या पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, या फिर सेजवान चटनी है अगर आपके पास, तो आप उसको स्प्रेड कर दें इसमें अच्छी तरह से। तो अपने मन मुताबिक चटनी लगाने के बाद आपको इसको एक साइड से कर लेना है हाफ कट, क्योंकि हम रैप करेंगे तो ये रैप करने में आसानी होगा। तो ऊपर से थोड़ा सा रैप रोटी कट नहीं हुई, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आपको इस तरह कट लगा लेना है। आप चाहे तो चाकू कैंची, जिससे भी आपको आसान हो आप उस तरह लगा लें। और अब मैं लगा रही हूँ उसमें एक साइज सेजवान चटनी। आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर, जो आपका बच्चा पसंद करता है। अगर आपका बच्चा मेयोनीज पसंद करता है, बटर क्रीम मलाई, जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दे रही थोड़ा सा हर्ब्स। मैं अपनी वीडियो में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा हेल्दी रखूँ चीज़ को। तो मैं अब बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। आप पनीर को अच्छे से लंबे क्यूब में काट सकते हैं और इस तरह आपको पनीर लेके इसको कवर कर देना है एक पोर्शन को। तो अब हमारे दो पोर्शन अच्छे से कवर हो गए हैं और अब हम इसके तीसरे वाले पोर्शन में लगाएंगे कुछ सब्जियां। आपके घर में जो भी सब्जियां हो, प्याज, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो भी है आप वो लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगा दी हुई थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी कैप्सिकम, और मेरे पास कलर को दिखने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़े से टमाटर। बेशक आप डाल सकते हैं। और अगर आपके घर में पनीर नहीं है तो आप चाहें तो आप आलू भी इसमें लगा सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पत्ता गोभी, और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ अब कॉर्न। और अब हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा रैप। तो पिज़्ज़ा में डालना चीज़ तो लाजमी है, तो मैं डाल रही हूँ अब चीज़। अगर आपके पास ये मोज़रेला चीज़ नहीं है तो और तो आप इसमें डाल सकते हैं जो चीज़ स्लाइस आती हैं, आप चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो चीज़ लगाने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे से ऑर्गेनो। आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल दें। मैं आपको बताना भूल गई कि जो मैंने आटा लगाया था मैंने उसमें नमक डाला था। और अगर आप रोटी में, आपकी रोटी में नमक नहीं होता है तो आप ऊपर से इसमें नमक डाल दें, जिससे कि नमक बैलेंस हो जाएगा। अब रैप बनाने के लिए इसे रैप करना ज़रूरी है, तो मैं इसे रैप कर लेती हूँ अच्छे से। तो इस तरह आपको फोल्ड कर लेना है। थोड़ा आप ध्यान रखें कि चीज़ें फैले ना। आप पिज़्ज़ा को इसी तरह आखिरी में डालें, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा को मतलब कि हम इसे पकाएंगे तो पिज़्ज़ा मेल्ट होगा, तो जो हमारा रैप है वो अच्छे से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। अगर आप अपने रैप में ऑयल या घी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे अलग पलट के ऐसे भी सेक सकते हैं, पर मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा घी। और मैं इसे अच्छे से दबा दबा के सेक लूँगी। आपको सेकने में 2 से 3 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो इस तरह आप इसे प्रेस करके हल्का हल्का सेक लें। तो आपको इस तरह अलट पलट के दोनों तरफ इसे सेक लेना है। गाइस, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ हेल्दी करने की कोशिश करूँ, तो प्लीज़ और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो मिस ना हो पाए। तो हमारा पिज़्ज़ा रैप है जो अच्छे से सेक के तैयार हो गया है, और जो हमने डाला था इसमें चीज़ वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है।
तो गाइस झटपट पिज़्ज़ा रैप बनके हो गया है तैयार। ये आप अपने घर में बना के ज़रूर देखें। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या फिर ब्राउनीज के साथ सर्व कर सकते हैं बच्चों को। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज का वीडियो होता है इधर ही ख़त्म। गाइस ये बहुत ही टेस्टी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।